हेलो, माय नेम इज़ आदिल। माय टॉपिक इज़ कटिंग टूल। कटिंग टूल मेटल को सर्टेन प्रेशर पर डिजायर शेप में काटता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। हम मोशन के आधार पर भी कटिंग टूल को विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट लीनियर मोशन टूल, दूसरा रोटेटरी मोशन टूल, तीसरा लीनियर एंड रोटेटरी मोशन टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम मशीन के आधार पर भी बांट सकते हैं। लेथ मशीन के लिए टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, चैम्फरिंग टूल, एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल, इंटरनल थ्रेडिंग टूल, बोरिंग टूल। प्लेनर के लिए स्ट्रेट एंड बेंट रफिंग टूल, स्ट्रेट नेक, राउंड नोज एंड गोर्स नेक। शेपर के लिए राउंड नोज रफिंग टूल एंड डाउन कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री में जो लेवलिंग है, गामा वाई बैक रैक एंगल, गामा एक्स साइड रैक एंगल, अल्फा वाई एंड रिलीफ एंगल, अल्फा एक्स साइड रिलीफ एंगल, लैम्डा ई एंड कटिंग एज एंगल, लैम्डा एक्स साइड कटिंग एज एंगल, गामा नोज रेडियस है। कटिंग स्पीड। कटिंग जिस स्पीड पर कटिंग एज मटेरियल के ऊपर से पास होती है उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। यह मीटर पर मिनट में एक्सप्रेस्ड होती है। फीड वह दूरी जिसमें टूल अंदर या वर्कपीस के साथ टूल पॉइंट एक सर्टेन अवस्था में सरफेस के ऊपर से ट्रैवल करता है उसे फीड कहते हैं। डेप्थ ऑफ कट वह परपेंडिकुलर दूरी है जिसे मशीन सरफेस से अनकट सरफेस तक मेजर किया जाता है उसे डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल। फर्स्ट टूल की हार्डनेस वर्कपीस की हार्डनेस से ज़्यादा होनी चाहिए। टूल हाई टेम्परेचर पर अपनी हार्डनेस बनाए रखे जिसे रेड हार्डनेस बोलते हैं। थर्ड यह इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी शॉक एब्जॉर्ब कर सके। और फोर्थ टूल में वेयर एंड टियर सहने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वह लंबे समय तक चल सके। थैंक यू।